अब हम जानते हैं YouTube की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इसके अंदर हम अपने किसी भी चीज़ को कैसे मार्केट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर YouTube में हम लोग तीन तरीके से वीडियो डालते हैं, तीन तरीके का मीन्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वीडियोस इन दिस YouTube मार्केटिंग। तो वो कौन कौन से कैटेगरी होती हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला होता है एजुकेशनल, दूसरा होता है इंटरटेनमेंट, तीसरा होता है किसी पर्सनल प्रोफाइल के बारे में, किसी ने अपनी स्टोरी राइटिंग की है। तो ये तीन अलग अलग कंटेंट होते हैं जहाँ पे हम अपने तरीके से वीडियो को पब्लिश करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे यहाँ पे आप फाइव क्विक एंड इजी इंग्रेडिएंट रेसिपी है, तो ये एक तरीके से एजुकेशनल भी हो सकता है या फिर ये अपना कोई स्टोरी राइटिंग कर सकता है। सेकेंड, अगर देखते हैं कुछ नहीं रखा है इन बातों में, तो ये एक इंटरटेनमेंट वीडियो है जहाँ पे ये पर्सनल अपने प्रोफाइल को या पर्सनल प्रोडक्ट को या पर्सनल सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। थर्ड, आप वीडियो देख सकते हैं पल पल में जो एक सॉन्ग है, ये भी सेम उसी तरीके से ये पर्सनली ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। फोर्थ, आप देख रहे हैं 10 मूवीज विच यू शुड वॉच, तो ये भी एक एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का वीडियो आपको पब्लिश करना है और प्रमोट करना है। तो तीन कैटेगरी होते हैं इसके अंदर, पहला होता है एजुकेशनल, दूसरा होता है स्टोरी टेलिंग, अपने बारे में आपने कोई स्टोरी बताया, आप कहीं पे भी, आप मान लीजिए सपोज आप दिल्ली में रहते हैं या फिर इंडिया में किसी जगह पर रहते हैं और आपने वहाँ के बारे में बताया, ऊटी एक ऐसी जगह है, तो आप उसको उसके बारे में वहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, जिससे आप ऑडियंस को और बता सकते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ के इन्वायरमेंट में क्या क्या आपको मिल सकता है, बेनिफिट क्या है, नियर बाई में प्लेसेस कौन सी हैं। थर्ड आपका इंटरटेनमेंट हो गया, यहाँ पे आप अपने पर्सनल प्रोफाइल को या पर्सनल बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो जिसका जिस तरीके का प्रोडक्ट और सर्विसेज होता है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियोस डालते हैं और नंबर ऑफ वीडियोस डालते हैं, और डालने के बाद उसको उसकी पब्लिसिटी करते हैं ताकि लोग उसके वीडियोस को उनके वीडियोस को आकर देखें, व्यू करें। अगर उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके बारे में वो क्वेरीज रेज कर सकते हैं वीडियोज़ के थ्रू ही, वहाँ पर कमेंट डाल सकते हैं या फिर हो सकता है उन्होंने अपने वीडियोज़ के नीचे अगर कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो उसके थ्रू वो इनडायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।